सोच जैसे कि आपने कब से रिकमेंड्स कर रखे हैं कि भैया हम एलएलडाइट की जगह इस फेविकोल से टोगर बना सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आज हम यही चीज ट्राई करने वाले हैं कि हम इस फेविकोल की मदद से एक मजबूत वाला टोगर बना भी पाते हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम लेने वाले हैं फेविकोल, लकड़ी का बुरादा, एक कार्डबोर्ड की पट्टी, एक टेप एंड थोड़े बहुत पानी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेंगे हमारे कार्डबोर्ड की पट्टी एंड हम इसको सीधा लगाने वाले अपने बैट पे कोच इस तरीके से। लगाने के बाद हम इसको सीधा चिपका देंगे टेप से, क्योंकि ये देने वाला है हमारे मोल्ड का काम। तो दोस्तों ये हमारा बन चुका है एंड अब हम लेंगे लकड़ी का बुरादा एंड काफी सारा फेविकोल एंड हम कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। तो भाई ये मिक्स हो चुका है एंड इसको सीधा डालेंगे हमारे मोल्ड के अंदर एंड हम इसको डालना है बिल्कुल आराम से एंड हल्के आंच से। एंड अब हम लेंगे पानी एंड पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो बस हमने इसको अच्छी तरह से डाल दिया है एंड इसको सीधा सुखा देंगे धूप में। तो गाइस अब बात करने वाले हैं हमारे फाइनल रिजल्ट की कि हमें फेविकोल से टोगर बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये है कि इसको सूखने में लगता है काफी ज्यादा टाइम, बिकॉज जो फेविकोल है ना इसको चाहिए हवा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो भी पेपर थे हमें उनको टाइम टू टाइम पूरे को हटाने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा ये सूखेगा। बट इसकी जो मजबूती है ना ये तो बिल्कुल एलएलडाइट की जैसे ही तगड़ी वाली है, यानी आप इसको फेविकोल से बना सकते हैं।